आज हम आप लोगों को ऐसी टैबलेट के बारे में बताने वाले हैं जो डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सामान्य डायरिया में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सुरक्षित है। इस टैबलेट का इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इस टैबलेट से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और सुरक्षा संबंधी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं डॉक्टर सीएस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो हमेशा हम लाते रहते हैं, जिससे किसी भी प्रकार आपकी मदद हो सकती है। यह देखिए दोस्तों, ये लोपेमाइड टैबलेट है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट में लगभग 21 रुपए में मिल जाएगी। अलग अलग शहरों की अलग अलग MRP होती है, थोड़े ज़्यादा थोड़े कम में मिल सकती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लोपेरामाइड मिलाया गया है 2 mg में। इस दवा को आप किसी भी एलोपैथिक मेडिकल शॉप से बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसका नाम दिखाकर या फिर जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप किसी भी फार्मासिस्ट को दिखा देंगे मेडिकल स्टोर पर, तो ये आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। लोपेमाइड टेबलेट का इस्तेमाल डायरिया के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल सामान्य डायरिया में किया जाता है। खूनी दस्त, शौच के साथ खून आना से पीड़ित मरीज को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। यह टैबलेट केवल डायरिया, सामान्य डायरिया में इस्तेमाल करना है। दस्त जो पेट में गुड़गुड़ के साथ होता है, पेट में उथल पुथल मची रहती है, मूवमेंट होता है, फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी या पतले पानी जैसे बाउल मूवमेंट होते हैं, यह दवा दस्त से राहत देती है और उन्हें वापस आने से रोकती है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस दवा को नियमित 3 दिन इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपका दस्त पूरी तरह से ठीक हो जाए तो आप इस दवा को लेना बंद कर दें। इस दवा को आप बिना डॉक्टर के सुझाव के भी ले सकते हैं। इसे लेना बहुत ही आसान है। इस दवा का इस्तेमाल बड़े लोग भी कर सकते हैं, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। जिनकी उम्र 8 वर्ष से ज़्यादा है वह इस दवा को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को आप भोजन करने के बाद या भोजन करने के पहले भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि इस दवा को आप भोजन के बाद लें। अगर आप भोजन के बाद लेते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस दवा की खुराक में आपको यह दवा 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट दोपहर, 1 टेबलेट शाम लेना है पहले दिन, और दूसरे दिन सुबह शाम 1-1 टेबलेट लें। इस तरह से लेने से आपका डायरिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस दवा के सामान्य साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद भी अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना चाहिए। इसके सामान्य साइड इफेक्ट में शामिल है कब्ज होना, मिचली आना, सिर दर्द, पेट में दर्द, इतनी सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। आप जानते हैं लोपेमाइड टैबलेट किस प्रकार काम करता है। लेने के बाद लोपेमाइड टैबलेट डायरिया को रोकने वाली एक दवा है। यह आंतों की मरोड़ को धीमा करके काम करता है। इस प्रकार पदार्थ के इससे गुजरने की गति धीमी होती है। यह फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स के अधिक समय देता है, जिससे स्टूल अधिक ठोस होता है और बार बार नहीं होता है। आपको डायरिया दस्त के इलाज के लिए इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। दस्त से पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। आपको तरल पदार्थ पीना चाहिए। जैसे इस दवा को लेने के बाद आपको शराब का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत अत्यधिक नींद आ सकती है। गर्भावस्था के दौरान इस टैबलेट को लेना हानिकारक है। अगर कोई महिला है गर्भावस्था के दौरान डायरिया होता है तो उसे इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्तनपान के दौरान इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्तनपान के दौरान इस टैबलेट को इस्तेमाल करना सुरक्षित है। लीवर और किडनी से संबंधित लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों के लिए यह टैबलेट सुरक्षित है।
इस्तेमाल करने के लिए। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें कितनी खुशियाँ देता है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ हो।